हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आई एम संगीता। और फ्रेंड्स, मुझे टाइम ना मिल पाने की वजह से काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2018 में जो कंडक्ट होने वाला है उसके ऊपर डिस्कस करूँगी। तो ये जो नेट दिसंबर 2018 है, अभी तक लास्ट टाइम मीन्स जुलाई तक CBSE कंडक्ट कर रही थी, बट इसमें NTA अभी कंडक्ट करेगा। मीन्स एजेंसी चेंज हुई है और मैं आपको नेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स एंड टिप्स इस वीडियो में बताऊंगी। बुक्स एंड टिप्स में मैं आपको, जैसे कि मैंने दो बार नेट क्वालिफाई किया है और इस पे काफ़ी कमांड है, जैसे मैं जो बुक्स पढ़ते आई हूँ और जैसे मैंने टिप्स फॉलो किए हैं, तो मैं उस पर आपको गाइड करूँगी ताकि आप भी क्लियर, मतलब आपका भी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और मैं ये भी बता दूं कि काफ़ी PSUs अभी हैं जो नेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट कर रही है, तो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PSU ऑल्सो, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग विद PSU। तो मैं आपको नेट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम आगे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहले जो इम्पॉर्टेंट है इसका, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन 1 सितंबर मीन्स कल से स्टार्ट हो गया, अप टू 30 सितंबर मीन्स 1 मंथ का आपके पास टाइम है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन ऑफ फीस। फीस आपको कब तक, 1 अक्टूबर तक फिल करना है, ठीक है। आपको मीन्स एक दिन और आपको मिल गया है फी सबमिट करने के लिए थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है नेट बैंकिंग के थ्रू आपको 1 अक्टूबर तक करना है। फीस यहाँ पे आपको दिखा रखा है कैटेगरी वाइज, जनरल 800, अदर बैकवर्ड क्लासेस 400 एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज में 200 है, ठीक है। तो आपको डेट्स पे ध्यान देना है, डेट ऑफ एग्जाम कब होगा। एग्जाम का दिया है 9/12/2018 टू 23/12/2018। यहाँ पे मैं बात कुछ करना चाहूँगी कि अभी तक जो नेट का एग्जाम होता था वो 1 डे टेस्ट होता था, मीन्स सुबह से लेके मीन्स 9:30 to 4 ऐसे टाइम पूरा 1 डे में हो जाता था। बट अभी ये स्लॉट बनाए हैं 9/12 to 23/12, और इसमें आपको अपने हिसाब से शेड्यूल करनी है अपने एग्जाम। आप जिस डेट को चॉइस करेंगे उस डेट में आप अपीयर हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस स्लॉट, ठीक है। और शिफ्ट में एग्जाम होगा, जैसे टाइमिंग दिया हुआ है 9:30 to 1 पहला शिफ्ट है, दूसरा है 2 to 5:30। बाकी तो आपके एडमिट कार्ड पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, ठीक है। रिजल्ट का भी, जैसे इन्होंने टेम्प्रेरी टेंटेटिव डेट दे रखा है बाय 10th January। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, नेट एक फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। अदर देन ऑनलाइन मोड दे विल नॉट एक्सेप्ट योर फॉर्म्स। तो सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, फी भी ऑनलाइन पे करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है, क्योंकि NTA कंडक्ट करी है, अभी तक CBSE कर रही थी, तो इन्होंने पूरा इंडेक्स दिया हुआ है इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट। जैसे एग्जामिनेशन में मोड ऑफ एग्जाम कैसे होगा, पैटर्न, सेंटर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट देखें यहाँ सब्जेक्ट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। जैसे मैंने पहले भी जुलाई 2018 के लिए मैंने जो वीडियोस डाली थी, तो सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा था लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमारा सब्जेक्ट ये है तो क्या हम ये फिल कर सकते हैं, ये हमने ये कोर्स किया है अपने मास्टर्स में तो वी आर एलिजिबल और नॉट। तो आपको ये एनेक्चर 4 और एनेक्चर 5 देखना होगा ध्यान से, आपके यहाँ सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे और कोर्सेज मेंशन होंगे, तो अगर आपका कोई कोर्स और ये मैच हो रहा है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट रिलैक्सेशन, देन एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इस बार बताऊंगी अभी, कि ये एग्ज़ाम जो होगा वो अभी तक ऑफलाइन होते थे। सबसे पहले वाले पैटर्न में तो 3 पेपर्स होते थे, बट अभी के पैटर्न में मीन्स जुलाई में जो पेपर दिया है वो तो ऑफलाइन था, बट उसमें भी 2 पेपर्स थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अभी जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा, और इसमें भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवा रही है एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ
एंड नेट क्यों देते हैं? इट इज़ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ एलिजिबिलिटी है. मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट दिसंबर 2018, एग्जामिनेशन शैल ओनली बी कंडक्टेड एज पर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, राइट. पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ. पहला पेपर जो होता है वो रिसर्च टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है, ठीक है. इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे. ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, मींस योर टोटल मार्क्स विल बी 100. और इसमें देखिए क्या आते हैं टॉपिक्स. रिसर्च टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं. इसमें शिफ्ट वाइज टाइमिंग दिया है, 1 आवर का पेपर होगा. उसी तरह से सेकंड जो पेपर 2 होगा, 100 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, मींस टोटल मार्क्स 200. एंड पेपर 2 विल बी सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट. जो आपका सब्जेक्ट होगा उस पे आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे. ये 2 आवर्स का पेपर होगा. शिफ्ट टाइमिंग भी यहाँ पे दी हुई है, राइट. सेंटर्स तो है यहाँ पे 4 सिटीज ऑफ देयर चॉइस. आपको अपने चॉइस के 4 सेंटर्स भरने हैं फॉर्म में, उसमें से आपको कोई एक सेंटर दिया जाएगा. स्टेट यूनिवर्सिटीज ये आप पढ़ लेंगे. और जैसे मैंने पहले भी बताया, सब्जेक्ट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एनेक्सर 4, इसमें आप सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो आपको देखने होंगे. पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स अगर आपके उस कोर्स में होगा तो, एंड द लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एंड देयर कोर्स इज गिवन इन एनेक्सर 5, ठीक है फ्रेंड्स. ये सारे टाइमिंग्स है, टाइमिंग्स आपको देखनी होगी. और जो फर्स्ट टाइम नेट एग्जाम दे रहे हैं तो उनकी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, नेट क्यों देते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन दे सकता है. तो ये और मेन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पर्पस से जो भी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो आप जरूर पढ़िए. एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55 मार्क्स, ठीक है, इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी. सिमिलरली जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए है, विद द स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 15% मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री. ये हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस है. एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. JRF के लिए नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन 1st 12 2018, कट ऑफ डेट है 1st 12 2018. एंड रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स, जैसे कि यहाँ पे दिया है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC दे विल गेट हाउ मच 5 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन. असिस्टेंट प्रोफेसर, देयर इज नो अपर एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है. एग्जेम्पशन एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट, द कैंडिडेट्स हु हैव मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर नेट सेट स्लेट, तो उनके लिए दिया हुआ है कि उनके UGC रेगुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू गैजेट ऑफ इंडिया वो टाइम टू टाइम फॉलो होगा. इसमें कुछ है, डेट मैंने जो ऑलरेडी आपको बता रखा है, फी पेमेंट आपको करनी है ऑनलाइन. और कैसे अप्लाई करनी है पूरी डिटेल, एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या तैयार रखने हैं, कुछ फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, आधार कार्ड, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देन क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारा आपको फॉर्म भरने के टाइम पे रेडी रखनी है. कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये आपको नोटिफिकेशन आपको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स. जैसे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है और नेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन मींस फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट हो रहा है, तो आपके लिए सैम्पल पेपर्स भी कुछ नवंबर में NTA के वेबसाइट पे अपलोड होगा, जो कि आप www.nta.nic.in पे देख सकते हैं. ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आपको NTA के साइट पे ही मिलेगा, ठीक है. तो आप डिटेल में पढ़िए. साथ ही मैं ये बता दूं कि टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर भी कुछ NTA इस बार मीन्स रखी है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करना होगा TPC के लिए. तो नियर बाय जो भी सेंटर होगा वहाँ पे आपको, वहाँ पे मीन्स दे विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग रिलेटेड टू
कंप्यूटर नेविगेशन, उस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मीन्स आपको एक फील आएगा कि ऑनलाइन एग्जाम आपको कैसे देना है. तो वो सारा कुछ आपको एज इट इज जैसे एग्जाम होगा नेट का, वैसे ही वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा. ठीक है. और पहले जो मैंने जुलाई में वीडियो, जुलाई के एग्जाम के लिए वीडियोस डाले थे, तो वहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस के ऊपर डाला. जैसे मेरा तो एचआर का सिलेबस है, तो एचआर को तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया. साथ ही मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस आपको यूजीसी के साइट से मिल जाएगा, तो सिलेबस आप डाउनलोड करके उसका देख सकते हो. स्पेशली जो उनको एचआर या मैनेजमेंट जिनका सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा है, तो दे कैन सी दी वीडियो. वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो यू कैन गो थ्रू इट. और बुक्स एंड टिप्स की बात है, तो बुक्स मैंने, बुक्स के ऊपर भी मेरी वीडियोज है, और लेकिन मैं इस यहाँ पे भी आपको बता दूंगी. जैसे पेपर वन के लिए अरिहंत की बुक आती है, रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ ही में वहाँ रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस. अभी एक बुक इस साल आई है, पियर्सन की आई है पेपर वन के लिए, वो भी अच्छी बुक है, तो आप फॉलो कर सकते हैं. रीजनिंग सिंपल होता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है. क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए. इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जो कि साइट पे अवेलेबल है. और पेपर टू के लिए मैं जैसे एचआर और उसके लिए बता सकती हूँ, मैनेजमेंट के लिए. तो पेपर टू के लिए भी मैंने बुक्स काफ़ी शेयर किए हैं, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी. ठीक है फ्रेंड्स, पेपर टू के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत मीन्स डीप, आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी उसकी करनी होगी. क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं. तो पेपर टू अगर एचआर और मैनेजमेंट किसी का है, तो मैं बुक रिकमेंड करूँगी वीएसपी राव, अश्वथापा और सोफिया दुबे. ऑब्जेक्टिव्स के लिए है, कुछ लेबर लेजिस्लेशन की बुक्स है, पियर्सन की बुक है लेबर लेजिस्लेशन के लिए, जो कि लेबर कोड पेपर कोड 55 में पूछा जाता है क्वेश्चंस. और ये पॉइंट जो मैं अभी तक बताया नहीं था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत भी होते तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. और इसमें तो मैक्सिमम मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर कवर किया है. अगर तभी भी किसी को अगर डाउट है कुछ, तो आप कमेंट ज़रूर करें और इस एडवर्टाइजमेंट को आप अच्छे से पढ़ें. अगर ये आप एडवर्टाइजमेंट आप साइट से डाउनलोड कीजिए और आप आखिरी तक देखेंगे, तो आपको सारा कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर के लिए आपको कैसे रजिस्टर करना, हाउ यू विल रिसीव मैसेज फॉर कन्फर्मेशन ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, ये सारा कुछ इसमें बताया गया अच्छे से. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर लिंक को देखें, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियोस मेरे डले हुए हैं उसका मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी. तो और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे भी मैं ये वीडियोस अपलोड करूँगी नेट से रिलेटेड. तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इंस्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.